नमस्कार। जीरो से जीनियस तक की इस स्पेशल हिस्ट्री वीडियो क्विज टेस्ट में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा हिस्ट्री के 15 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे, साथ में डिटेल्स भी दिए जाएंगे। ध्यान रहे, आपको इन 15 सवालों में कम से कम 7 सवालों का सही जवाब देना अनिवार्य है, तो ध्यान से खेलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये सवाल पिछले वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछे गए थे आपको जवाब सोचने के लिए। मिलेंगे 5 सेकंड का समय, ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन हार्ट जो आपको सवाल के बारे में बताएंगे, यदि आपको लगे कि क्वेश्चन हार्ट हमें देखना चाहिए तो आप वीडियो को वहीं रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, पोलो या चौगन खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की। 1210 में इसकी मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में घोड़े से पोलो खेलते समय गिरने से हुई थी और ये दिल्ली प्रशासन 1206 से 1210 तक किया था। क्वेश्चन नंबर तीन, पंचतंत्र को किसने लिखा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर फोर, किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को किस शासक द्वारा बंदी बनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गजनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर फाइव, विशेष जानकारी के लिए क्वेश्चन हट को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, खिज खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैयद वंश। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सैयद वंश। और सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 तक चला। खिज खा सैयद वंश के संस्थापक था। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स, कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तालिकोटा युद्ध। और ये युद्ध का एक दूसरा नाम है राक्षस तागरी का युद्ध भी इसे कहा जाता है। और ये कब लड़ा गया था? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सेवन, और आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पर वर्क करता है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो आपने लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक जरूर कर दीजिए। आप चाहे तो शेयर करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर सात,
मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध तोपों का इस्तेमाल किया? सवाल एक बार फिर से, ये सवाल अक्सर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने। और वे युद्ध कौन सा था? तो पानीपत का पहला युद्ध, जिसे 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर ने ही भारत में मुगल वंश की स्थापना करी थी। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश का नींव पड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। लगभग 1573 से 74 ईस्वी में शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 9, बीरबल किसकी अदालत में एक एडवाइजर था, सलाहकार था? आपने कहानी सुना होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर। अकबर के दरबार में रहता था, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक था। क्वेश्चन नंबर 10, मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था, जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? बाद में नादिर शाह इन्हें लूट कर ले गया। ऑप्शन नंबर ए है मौर्या, मौर्य वंश। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। माफ करिएगा, ऐसा नहीं है, इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नों जड़ित सिंहासन था, जिस पर भारत के किन सम्राटों की हुकूमत थी? तो मयूर सिंहासन या तख्त और ताऊस का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी मुगल वंश होगा, ऑप्शन नंबर सी मुगल वंश होगा। और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे एडिटर महोदय से कि इसका राइट आंसर आप शो करिए, चाहे आपको जितना भी समय लगे। तो फाइनली चेंज हो गए, और नादिर शाह ने इन्हें 1739 ईस्वी में मुगल बादशाह मुहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया तथा अपने साथ इसे छीन कर लेकर अपने देश चला गया। ये क्वेश्चन माफ करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, यहाँ से सवाल आते हैं। क्लियर है? मुगल बादशाह शाहजहां ने उसे निर्माण करवाया था, कंफ्यूज नहीं होना है। हर इंसान से गलती होता है, होते रहता है। माफ करिएगा हमारे टाइपिस्ट महोदय, हमारे एडिटर महोदय। लाल किले को डच द्वारा बनाया गया था, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था लाल किले, जो कि दिल्ली में है, और ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, कुतुब मीनार डैश में स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। और पता है कुतुब मीनार की सबसे बड़ी बात है कि कुतुब मीनार दिल्ली शहर में स्थित ईंट की बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इनकी ऊंचाई
72.5 मीटर है। और दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य 1193 ईस्वी में शुरू कराया, परंतु इसकी आखिरी मंजिल 1368 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई। तो यहाँ से आपके सवाल तोड़ मरोड़ कर पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन हार्ट, क्वेश्चन नंबर 13। ब्रिटिश को राजनीति शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लासी का युद्ध के बाद। और ये युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को, 1857 के विद्रोह नहीं, 1757 को ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद ब्रिटिश को भारत में राजनीति शक्ति प्रदान हो गया, मतलब अपना शक्ति धीरे धीरे स्थापित करने लग गया। क्वेश्चन नंबर 14। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में डैश में अपने ठिकाने बनाए। सवाल एक बार फिर से। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत के डैश में अपने कंपनी यानी कि ठिकाने बनाए। क्वेश्चन अच्छे हैं और ये सवाल केबीसी में पूछे गए थे और काफी महंगा सवाल था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पांडुचेरी। ध्यान रखिएगा पांडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष क्या था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। पुरंदर की संधि काफी पॉपुलर है, इसके लिए हमने एक लंबा चौड़ा खाका तैयार किया है, आपको देखना चाहिए, इंटरेस्टिंग भी है और नॉलेजेबल भी है, आप देख लो। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है। हाल ही में कौन 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष प्लेयर बन गए हैं? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां लिखिए क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो के सभी सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट, इनर्जेटिव और हेल्पफुल हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर भी करिए। और आप इसके पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें, क्योंकि यही आपको बहुत कुछ करवा देगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।